हेलो दोस्तों, कैसा है आप सब। आज हम आपको बिहार की सबसे फेमस सत्तू पराठा बनाना बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, पराठा बनाने के लिए तो आटा लगाना पड़ेगा ना, तो एक मिक्सिंग बाउल में 3 कप गेहूं का आटा लिया है। फैमिली के हिसाब से लिया है हमने, आप अपनी फैमिली के हिसाब से लेना और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। अभी देखो दोस्तों, 1/2 टीस्पून अजवाइन लेगा और इसे अपने हाथों से क्रश करके डालना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेगा, इससे हमारा जो पराठे ना बहुत ही खस्ता बनेगा दोस्तों। और इसे मिक्स कर लेना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो लगा लेना है, बिल्कुल ऐसा ही डो लगा लेना दोस्तों। आप देख ही रहा ना कितना सॉफ्ट आटा लगाया है हमने। अगर आप हार्ड आटा लगा लेगा ना दोस्तों तो पराठे फट जाएंगे, इसलिए आप सॉफ्ट आटा लगाना और इसे 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देना। स्टफिंग बनाने के लिए हमने 2 कप चने का सत्तू ले लिया है दोस्तों, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। या फिर आप भुना हुआ चना ले आना और इसे मिक्सी में पीस लेना और छान लेना, आपका सत्तू तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें एक बड़े साइज का बारीक कटा प्याज डालेगा। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करना दोस्तों, नहीं तो पराठे फट जाएंगे। 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है दोस्तों, इसे भी डाल देगा। अभी देखो दोस्तों, 1.5 इंच हमने अदरक लिया है और 10 से 12 लहसुन की कलियों को ना हमने कद्दूकस कर लिया है, इसे डालेगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाता है ना दोस्तों तो आप इसे स्किप कर सकता है। आपको अगर सफर में लेके जाना है ना दोस्तों सत्तू पराठा को, तो आप इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि ये खराब हो जाएंगे। आप इसे एज इट इज बना लेना बिना लहसुन प्याज के, बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डालेगा। अभी 1/2 टीस्पून अजवाइन ले लेना, जिसे कैरम सीड भी कहता है, इसे क्रश करके डालना। 1/2 टीस्पून हम इसमें कलौंजी डालेगा दोस्तों, जिसे मंगरेल भी कहते हैं। अजवाइन और मंगरेल से बहुत ही अच्छा सत्तू पराठा में टेस्ट आ जाता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। अभी सत्तू पराठा को और भी टेस्टी बनाना है ना दोस्तों, तो 2 बड़े चम्मच ने आम का अचार का मसाला ले लिया है, इसे डालेगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आप कोई भी अचार का मसाला डाल सकता है दोस्तों। और इसके टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए हम इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ करके डाल देगा। अगर आपके पास मसाला नहीं है ना अचार का, तो आप नींबू का रस डाल लेना। बारीक कटे धनिया पत्ती भी डालेगा दोस्तों, और सभी चीजों को अच्छे से सत्तू में मिक्स कर देगा। और ये दिक्कत दोस्तों, सत्तू को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई है, तो हम इसमें 1 to 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेगा दोस्तों। सरसों का तेल से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये 2 चम्मच भी हम सरसों तेल का डाल देगा दोस्तों, और अच्छे से मिक्स कर देगा। या फिर आप इसकी जगह पर पानी भी डाल सकता है दोस्तों, और ये देखो बिल्कुल ऐसा मिक्सचर बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही स्टफिंग आपको बना करके तैयार करना है दोस्तों। इस टाइम पर आप टेस्ट कर लेना एक बार कि इसमें नमक सही है कि नहीं, या फिर हमने जो नींबू डाला है ना वो सही है कि नहीं। अगर कुछ कम है तो आप उसमें डाल सकता है, और इसे मिक्स कर लेना अच्छे से। 15 मिनट हो गया है दोस्तों, और ये देखो आटा कितने अच्छे से रेस्ट कर चुका है। एक बार इसे मसल करके अच्छे से चिकना कर लेगा, और रोटी से बड़े साइज का पोर्शन लेकर के हम बिल्कुल चिकना बॉल बनाएगा। पराठा बनाने के लिए हमने सूखा आटा ले लिया है दोस्तों। सूखे आटे से ना बॉल को कोट कर लेगा, और बिल्कुल इस तरह से कटोरी का शेप बना करके तैयार कर लेगा दोस्तों। और बीच में हम इस तरह से अपनी सत्तू की स्टफिंग को स्टफ करेगा, और बिल्कुल इस तरह से दबाते हुए ना इसका मुंह को हम इस तरह से बंद कर देगा दोस्तों। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे आप हटा देना, और बिल्कुल चिकना बना करके तैयार कर लेना। चलो दोस्तों, एक और हम आपको बना करके दिखाता है। एक बॉल ले लिया, इसे सूखे आटे से कोट करेगा, और जो एक्स्ट्रा आटा ना उसे हम हटा देगा, और अपनी दोनों उंगलियों की मदद से ना इस तरह से हम बीच में गोल गोल घुमाते जाएगा, और बिल्कुल कटोरी का बना लेगा शेप। और ये दिक्कत दोस्तों, एकदम कटोरी की तरह ही हमने बना लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भर देगा।
आप एक साथ ज्यादा स्टफिंग मत भर देना दोस्तों, नहीं तो ये फट जाएंगे। तो स्टफिंग डाल करके हम इसे अच्छे से प्रेस करेगा और बिल्कुल इस तरह से पैक कर देगा, और जो एक्स्ट्रा आटा उसे हम हटा देगा और चिकना कर देगा। एकदम हल्के हाथों से हम इसे बेल लेगा दोस्तों, ज्यादा प्रेशर लगा करके आप इसे बिल्कुल भी ना बेलना, और इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसे ही रखना दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, कितना सुंदर हमने बेल लिया है इसे, बिल्कुल ऐसा ही आपको भी बना करके तैयार करना है। और जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा ना दोस्तों, हम इसमें पराठे को डाल देगा। थोड़ी देर के बाद हम इसे टर्न कर देगा दोस्तों, और मीडियम फ्लेम पर हम अपने पराठे को सेक लेगा दोस्तों। फिर से हम इसे टर्न करेगा, और इसके ऊपर हम ऑयल लगा रहा है, या फिर आप देसी घी भी लगा सकते हैं, या फिर बटर लगा लेना। और ये देखो कितने फुले फुले पराठे बन रहे हैं। चलो दोस्तों, एक और पराठा हम आपको फुला करके दिखाता है, दोनों तरफ से थोड़ा सा पक जाए ना, तब हम इसमें तेल लगाएगा, और बिल्कुल ऐसे फुले फुले पराठे बनेंगे दोस्तों। जब आप इसमें तेल लगाओ ना, तो गैस की फ्लेम को हाई कर लेना, तो पराठे फूल जाएंगे। सारे पराठे ऐसे ही बना लेना दोस्तों, और ये देखो कितने सुंदर लग रहे ना पराठे, बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी लगते हैं। दोस्तों आप भी एक बार जरूर इस तरह से सत्तू पराठा बनाना। आप इसे अगर रात में बना करके सुबह भी खाएगा ना दोस्तों, तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। हम इसे यहाँ पर आलू टमाटर के चोखा और दही के रायते के साथ सर्व कर रहे हैं दोस्तों। आप इसे अपनी पसंद के चोखा के साथ खा सकता है। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे मेरे रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।